और इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को पैसा वापसी का मामला है और मामले पर सरकार को विचार करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता हुए कोर्ट में पेश और गुजरात मॉडल से बेहतर मॉडल बनाने का महाधिवक्ता का दावा है और जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई है। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देख कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और हम फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट में इस बात को लेकर बात हुई है और कहा गया है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जितने भी साइबर फ्रॉड का जो मामला है उसके पैसे वापसी का वापसी के बारे में सोचना चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर विशेष संवाददाता अभिषेक सिन्हा जुड़े हैं। अभिषेक, क्या है यह पूरा मामला? तान्या, देखिए अभी हाल के दिनों में जो है साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए क्रिप्टो करेंसी के नाम पर भी फ्रॉड बढ़ रहे हैं और लोगों की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी की जा रही है। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने इन बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया था, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट में जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान सीआईडी के डीजीपी अनुराग गुप्ता उपस्थित थे। उन्होंने साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो पुलिस का जिस तरीके के पुलिस के फेल होते हैं, पुलिस जिस तरीके से प्रणाली कार्य प्रणाली को अपनाती है और क्या उसमें प्रिकॉशंस लेती है, इन सारी चीजों को उन्होंने बताया। इस मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को ये बताया कि गुजरात सरकार ने एक मॉडल तैयार किया है, जिस मॉडल के अंतर्गत जो जिनके साथ भी साइबर फ्रॉड होगा उनके पैसे की वापसी सरकार के द्वारा की जाएगी, ऐसा एक फंड क्रिएट किया है, लेकिन उसमें कई कानूनी पेच है। वही महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को यह भी बताया कि झारखंड सरकार इस पर विचार कर रही है और झारखंड सरकार इस पर कार्य कर रही है कि गुजरात मॉडल से भी कुछ बढ़िया मॉडल बने और साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों का जो है, अगर जो भी पीड़ित होते हैं उनका पैसा सरकार वापस करे और उसमें कोई कानूनी अड़चन न आए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी झारखंड के लिए अगर ये हो जाता है। क्योंकि बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर जितनी राज्य पुलिस चिंतित है, अब उतना ही चिंतित उतनी ही झारखंड हाईकोर्ट भी हो गई है। न्यायाधीश ने इस मामले में जो है चंद्रशेखर ने मौखिक टिप्पणी की है कोर्ट ने कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और एक फंड का निर्माण करना चाहिए कि जिनके साथ भी साइबर फ्रॉड होता है उनको तत्काल राहत के लिए फंड से कुछ पैसे उनको प्रोवाइड किए जाए। तान्या, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से अब झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कहा है कि सरकार को पैसे वापस करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गुजरात में इस तरह का मॉडल है जहां पर जो भी साइबर फ्रॉड से पैसे लिए जाते हैं उसके बाद फिर सरकार उन्हें अपने फंड में से पैसे देती है, तो इस तरह का जो मॉडल है वह अब झारखंड में भी लागू होना चाहिए और झारखंड सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और इस पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, तो देखने की बात होगी कि आखिरकार जितने भी लोगों से साइबर फ्रॉड किया गया है उनके अधिकार में क्या कुछ आता है।